आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान। सफ़र गज़ल का जारी है। इस प्रोग्राम की गुज़िश्ता किस्तों में हमने अपने इस खूबसूरत सफ़र के दौरान गज़ल गोई के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और आपको बताया कि हिंदुस्तान में गज़ल के खदोखाल को संवारने में किस किस ने क्या क्या रोल अदा किया। आज किस किस्त में हम आपके लिए लाए हैं गज़ल गायकी के बारे में कुछ अहम मालूमात। अक्सर अंग्रेज़ मौरखीन ने भी लिखा है कि दूर से आहंग पर आवाज़ आ रही थी कि और मैं खिंचता चला गया, उसके करीब जाता चला गया। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि सादी की गजल पर लोग झूम रहे थे। देखिए, ताल्लुक तो है दिल से, फितरी तौर पर मौसीकी तो असरअंदाज होती है। चाहे आप अब फिल्मों में दिखा देते हैं आपको जो माजरा, उससे हटके बात यह है कि कुछ पहर होते हैं, कुछ वक्त होता है जिसमें उसका तासुर होता है। अजत अमीर खुसरो ने जब गज़ल बनाई, जब लिखी हिंदी भी गज़ल, तो उन्होंने उसमें किलास का रंग जो उनके अपने बनाए हुए राग थे। मिसाल के तौर पर फारसी की गज़ल उनकी बड़ी मशहूर है, जिस गज़ल के लिए उन्होंने एक राग को ईजाद किया, राग शाहाना को। गज़ल बखूबे हम चुमे तो बिंदा बाश बमुल्के दिलबरे पाइंदा बाश बखूबे हम चुमे तो बिंदा। इस गज़ल के लिए उन्होंने शाहाना राग बनाया, तो रागदारी तो वहीं से शुरू हो गई गज़ल के साथ। नाजरीन, अपने इब्तदाई दौर में गज़ल गाने वालों ने बादशाहों, राजाओं और नवाबों के दरबार में अपने फ़न के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ रक्कासाओं ने रक्स के मज़ाहरे के साथ साथ गज़लें भी पेश करना शुरू कर दीं। इस दौरान तवायफ़ों ने अपने कोठों पर और डेरे वालियों ने मेलों में अपने फ़न का मुजाहरा शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता गज़ल गायकी ने फ़न की शक्ल अख्तियार कर ली। दाग का दौर आया, दाग का दौर नवाबैन का दौर था, बादशाह ख़त्म हो चुकी थी। नवाबैन के अपने अपने महलात में, उनके महलों में, उनके दीवाने ख़ास में, दीवाने आम में, मजालिस से ख़ास आम में गज़ल गायकी रही। अब उस ज़माने में रक्स भी आ गया, वाजिद अली शाह के दौर से, नवाब वाजिद अली शाह का दौर आ गया था, जिन्होंने असनाफ दूसरे असनाफ में गज़ल गायकी के साथ साथ ठुमरी भी पैदा हुई। इस दौर में दादरा पैदा हुआ, उस दौर में मौसिकी को रक्स में ढाला गया, उस दौर में गज़ल गायकी पे रक्स हुआ। उस दौर में तो वह रंग बदलते बदलते, अब मैं एक दाग की गज़ल का अंदाज पेश कर रहा हूँ जो उस ज़माने में था कि ज़बा हिलाओ तो हो जाए फैसला, दिल का अब आ चुका है लबों पर मामला। ये एक ठुमरी का अंदाज है गज़ल गायकी का। अब उसके बाद गज़ल आई तवायफ़ीन के कोठों पर, तवायफ़ों के कोठों पर आ गई निकल के। नवाबियन भी ख़त्म हो गए, बादशाह भी ख़त्म हो गई। अब वो अवाम को रोशनास कराने के लिए क्या हुआ, वहाँ तो खास ही आते थे लोग उनके महफिल में, या आम फेम लोग आने लगे गज़ल सुनने के लिए। जो तवायफ़ों के हैं, जो कोड़दम थे उस ज़माने में, उन्होंने एक गज़ल गायकी को रंग दिया। अब उसका एक अंदाज पेश कर रहा हूँ मैं आपको, दाग की गज़ल। बवे तनती है खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं किसी से आज बिगड़ी है कि वो यूं बन के बैठे हैं। अब इस पर भाव हो रहा है, फनकार अपने भाव कर रही है, वो गज़ल भी गा रही है, तो आतिशा मज़ा आ रहा है सुनने वालों को। वो मुजरा जो कल अरबाब निशात की महफिल में चंद लोगों का के हिस्से में आता था, वो उमराव जान में रेखा के ज़रिए शहरियार की गज़लें
जो आशा भोंसले और लता मंगेशकर ने गाई हैं मिसाल के तौर पे, उनको अगर आप देखें तो वो सारी दुनिया ने देखी। और मुजरा जो था और गज़ल मुजरे के ज़रिए गज़ल गायकी जो थी जी, वो कितने बड़े ऑडियंस तक पहुंची। लेकिन नाजरीन, गज़ल गायकी को सबसे ज़्यादा उरूज मिला खुशगुलु फ़कीरों के ज़रिए। हर सुबह गांव और कस्बों में अपने हाथ में एक तारा लिए ये फ़कीर निकल पड़ते थे और अपनी दिलकश आवाज़ से आवाम की दिलजोई करते थे। इन फ़कीरों की आवाज़ में इतनी कशिश थी कि खुद मिर्ज़ा गालिब ने ख़त में लिखा है कि एक दिन एक फ़कीर एक गज़ल गाता हुआ उनके घर के पास से गुजरा तो उन पर अजीब किस्म का तासुर हुआ और उन्होंने फ़कीर से मांग कर दोबारा अपनी गज़ल लिखी। लेकिन नाजरीन, गालिब जैसे शायर की मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ फ़कीरों की गायकी की मोहताज नहीं थी, ये भी एक हकीकत है। पहली बात तो ये कि जिस मुआशरे की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जो था तरसील और इबलाग के लिए शेर जो था बहुत बड़ा वसीला था। और एक बात आप समझ लीजिए, किसी के फ़कीर फ़ुकरा के गाने से कोई बड़ा शायर नहीं हो जाता, ये भी ख्याल रखिए आप। बड़ा शायर होने के लिए ये बिल्कुल वो नहीं है कि फ़कीर फ़ुकरा गाने लगे तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन गालिब की अज़मत का मामला ये है कि गालिब जो है उसने हमारी शायरी को एक नई फ़िक्र दी, एक नई फ़िक्री असास दी, एक जदीद हमें सोच जो थी वो अता की, वो ज़हन अता किया। और सीधी सादी बात यह है कि उसने मुस्तकबिल जो है उसका हर शेर जो है वो हमें एक मुस्तकबिल से भी आशना करता है। मगर ये भी एक हकीकत है कि गज़ल को मौसीकी और मौसीकी को गज़ल ने कमाल अता किया और कितने ही शायरों ने गायकों और गायकों ने शायरों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। कुल्लू कुतुब शाह का दौर आया, बलि दखनी का दौर आया, सिराज औरंगाबादी का दौर आया, मीर तकी मीर का दौर आया, ख्वाजा मीर दर्द का दौर आया। उसके बाद फिर वस्तनाफिश ये जो शायरी दुनिया में फैलती गई। फिर उन असातिज़ा के ज़माने से लेकर हर दौर में गज़ल गायकियों को नया रंग दिया गया, आवाम से रूशनास कराने के लिए। चूँकि गज़ल पढ़ना एक अलग है, मुशायरे में गाना, मुशायरे में पढ़ना एक अलग है और गज़ल गाना एक अलग है। उस्ताद विलायत खान गायक थे दिल्ली वालों में, वो हमारे उस्ताद चांद खान साहब के मामूल लगते थे। उनकी यह खूबी थी कि वो क्लासिकल तालों में गज़लें गाते थे। एक ताल में गज़ल गा रहे हैं, तिलवाड़े में गज़ल गा रहे हैं, तीन ताल में गज़ल गा रहे हैं, जो ख्याल गायकी के ताल हैं जिनमें बंदिश ख्याल की गाई जाती हैं, जब ताल में बंदिश गज़लें गा रहा है, ये उनकी खूबी थी। तो नाज़रीन, ये था गज़ल गायकी का एक मुख्तसर सा तारुफ। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब चलते हैं प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जहां आपकी मुलाकात होगी एक शायर से, सुनवाएंगे उनकी गज़ल और होगी बज़्मे साज़ो आवाज़। नाज़रीन, वैसे गज़ल के लुग़वी मायने हैं अपने महबूब से बात करने के, या यूँ कहें कि औरतों से बात करने को गज़ल कहा गया। मगर जब औरतें ही शायरी करने लगें तो औरत से तो बात करेंगी नहीं, कुछ भी हो। औरतों को इजहार राय की आज़ादी मिलने के बाद बहुत सी शायरात ने जन्म लिया। उन्हीं में एक मौजूज़ नाम है मोहतरमा नसीम निखत का। डॉक्टर नसीम निखत लखनऊ के एक अदबी ख़ानदान में पली बढ़ी और लखनवी तहजीब के साए में ही उम्र की इन मनाजिल तक पहुँची। वो आज मुशायरों की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा है। कुछ दिन एक सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने काम किया, लेकिन मुशायरों की मसरूफियत ने उनकी सहाफ़त उनसे छीन ली। नसीम निखत दर्जनों ममालिक का दौरा कर चुकी हैं। हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ के अवाम ने उनको दाद व तहसीन से ना नवाजा हो। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में औरतों के लिए ख़ुद को मंजर आम पर लाना और साबित करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, मगर मोहतरमा नसीम निखत साहिबा ने ख़ुद को साबित भी किया और मनवाया भी। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। मैं बाराबंकी में पैदा हुई, मैं 1.5-2 साल की थी, मेरे फूफी फूफा ने मुझे अडॉप्ट किया, उनके बच्चा नहीं था। मेरी फूफी के घर का माहौल बहुत ही मतलब पर्दे वाला और बहुत ही नमाज रोज़ा ये वो, लेकिन शाम को पर्दे में बैठकर बैतबाजी होती थी, क्योंकि उस ज़माने में ये तफरीहात नहीं थी, टीवी और रेडियो ये सब नहीं होता था और बहुत ही अदबी महफिलें होती थी। तो उधर मर्दाना इधर औरतें और पर्दा बीच में पड़ा हुआ है और बैतबाजी हो रही है। तो मेरा ज़हनी जो परवरिश मेरी हुई है तो वो मेरे जहन में वहीं से कि ये शेर जहाँ पर कोई रुकता था
तो मैं सोचती थी कि मैं बोल, लेकिन हमारे यहाँ बड़ों के बीच में बोलने की भी इजाज़त नहीं थी, तो मैं चुपके से कहती थी कि ये शेर मुझे याद है। तो ये शायद उस ज़माना मेरा 7-8 साल की उम्र रही होगी, 6-7 साल की, तब से ये तो परवरिश तो वहीं से हो गई, ज़हनी जिसे आप कहें। मेरी फूफी पर्दा करती थी लेकिन नावल लिखती थी, शेर लिखती थी, फ़ारसी बोलती थी, और इस कदर अदबी मालूमात उनको थी, उन्हें बहुत शौक़ था। तो जाहिर सी बात है ज़हन तो मेरा पूरी तरह मुतासिर वहीं से हुआ, मैं कह सकती हूँ, या भी कुदरत ने मुझे इस माहौल में जान के भेजा। और फिर उसके बाद जो जहाँ मेरी शादी हुई, मेरे ससुर बहुत अच्छे शायर थे, वो भी बैतबाजी में शरीक होते थे, और डॉक्टर पांडे थे वो भी शायर थे, तो ये लोग शाम को जब बैठक होती थी नशिस्त, उसमें ये लोग शरीक होते थे। तो वहाँ से ही परवरिश हो रही है ज़हनी। और फिर मैं क्लास में शिरकत लेना चाहती थी तो इजाज़त तो नहीं थी, फूफी को बहुत मतलब ख़ुद वो पढ़ शौक़ रखती थी, लेकिन मुझे उन्होंने कहीं भी इनक्रेज नहीं किया, बहुत ही मना करती थी, सख्ती करती थी। तो मगर फिर भी जब एक शौक़ हो गया तो हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर नसीम निखत के लिए शायरा होने के माने सिर्फ शेर व अदब से जुड़े रहना नहीं है, बल्कि उन्होंने शायरी करते हुए भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ससुराल में सपोर्ट था, शौहर का सपोर्ट था, तो मुझे कोई पाबंदी नहीं थी, तो मैंने भी मुशायरे भी पढ़े, और पढ़ते पढ़ते आज जिस मकाम पे हूँ। और तालीमी सिलसिला भी मेरा बाद में ही चला, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी, हाई स्कूल से खाली किया हुआ था, तो बाद में इंटर और बीए और एमए और पीएचडी, वो सारी तालीम मैंने शादी के बाद बच्चों के साथ, इवन मतलब घर में भी खाना बना रहे हैं और घर के काम भी मैंने किए। तो ये मैं नहीं समझती कि एक ही हिस्सा औरत कर सकती है ज़िंदगी का, कि सिर्फ मुशायरे पढ़े तो घरदारी नहीं। मैंने पूरी तौर से घरदारी भी निभाई, मैंने रिश्तों को भी निभाया, मेरे जितने रिश्ते हैं मेरा ख़्याल से मैंने बहुत अच्छी तरह निभाने की कोशिश की, और मैं ही मज़लूम होती हूँ, मेरे साथ कोई मज़लूम नहीं बना, ये अल्लाह का करम है। मोहतरमा नसीम निकस साहिबा ने औरत होने के दर्द को भी अपनी शायरी में बड़े ही बेबाक अंदाज में पिन्हा किया, और निस्वानी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी खुले दिल से की। कुछ आप बीती होती है, कुछ जग बीती होती है। जैसे हमने अपने माशरे में देखा, अपने सोसाइटी में देखा कि औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो उसे कुछ महसूस करके या कुछ अपने उसमें जज्बात भी शामिल हैं, तो पूरा पूरा अपने ऊपर नहीं कहा, लेकिन कहा है, कहने की कोशिश की है। जैसे मेरा एक शेर बहुत लोगों को पसंद आता है कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए, और मैं उसे ज़िंदगी सौंप कर उसके आंगन की बांधी रही, मैं उसे ज़िंदगी सौंप कर उसके आंगन की बांधी रही, मुझको दो रोटियां दे के वो ये समझता है रब हो गया। तो मतलब एक सोच है, एक फ़िक्र है, एक औरतों के साथ जो हालात हैं उसको मैंने पेश करने की कोशिश की है, और बहुत कुछ कहा है इस बारे में मैंने। अभी जो समाज में हो रहा है, तो क्या शायर का जहन नहीं चीख उठता है? चीख उठता है, हम शेर कहते हैं और हमने कहे हैं, जबकि जब भी कुछ होता है। अभी देखिए, कई साल पहले हम टीवी देख रहे थे और उसमें जयपुर का दिखा रहे थे कि कन्या भ्रूण इतने इतने दिखा रहे थे कूड़े पर पड़े हुए, तो मैंने उस वक्त एक गज़ल कही थी, और उस वक्त मैंने वो शेर कहा था कि हमारे कातिल से कोई पूछे भला हमारा कसूर क्या है, जो रहम मादर में मारते हो ख़ता हमारी हुजूर क्या है। उस वक्त मैंने गज़ल कही थी। अब वो बाद में लोगों ने बहुत चलाया, रहम मादर हर अखबार में आपको ये वर्ड मिल जाएगा, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था जब ये रहम मादर चलन में नहीं आया था। बाद में हर उर्दू बोलने वाले की ज़बान पर रहम मादर आ गया, मुझे तो खुशी है, अच्छा है, क्योंकि मैंने तो कवि सम्मेलनों में बता के कि भाई रहम मादर माँ के गर्भ को कहते हैं, माँ के गर्भ में जो बच्चा भ्रूण होता है तो माँ के गर्भ को कहते हैं, बताया, एक्सप्लेन किया मैंने। नाज़रीन, शायरी के लिए एक और अलमिया है, लोग तरन्नुम को ही शायरी समझते हैं, और औरत होने के नाते मोहतरमा नसीम निखत साहिबा के लिए सामईन की मांग क्या मायने रखती है, खुद उन्हीं से पूछते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सोच है। आप ये बताएं, हमारे अवामी मुशायरे जो अवाम से जुड़े हैं, अवाम में जाहिर सी बात सब पढ़े लिखे लोग तो नहीं होते, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका होता है वो कदर करता है शेर की। आप 50 जगह मुशायरों में मैं आपको बताऊँ कि मैंने तहत में मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैंने तरन्नुम शुरू किया तो कहते साहब आप तहत में ही सुनाइए,
तो या तो मेरा तरन्नुम इतना ख़राब है और या तो उनको मेरा तहत इतना अच्छा लगता है, बल्कि मेरी शायरात भी कहती हैं कि तहत में तुम्हारा जवाब नहीं। तो कुछ तो है तहत में जो मैं पढ़ती हूँ तो वो कहते हैं तहत में तुम्हारा जवाब नहीं। उम्मीद है आपको डॉक्टर नसीम निकस साहिबा की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी गज़ल। बस क्या कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, और हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन, हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन, हमें बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या, हमें बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, और न टीस है न कसक है न आह है दिल में, न टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, और तुम्हारे बाद सफ़र में कोई मज़ा ना रहा, तुम्हारे बाद सफ़र में कोई मज़ा ना रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, और हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या। और नाज़रीन अब वक्त हुआ है सुर और साज की महफिल सजाने का। आइए सुनते हैं डॉक्टर नसीम निकस साहिबा की गज़ल के कुछ अशार इस दिलकश आवाज़ में। तो रुख करते हैं साज और आवाज़ की महफिल का। I'm not afraid to die.
کیا بات ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا، مردوں نے تو خواتین کے حسن و جمال کی صدیوں تک تعریف و توصیف کی، لیکن جب خواتین نے شاعری شروع کی تو انہوں نے حسن و جمال کا پیمانہ ہی بدل دیا۔ تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ پیشکش بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ آصف خان کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے غزل کا سفر جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔